नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरंभ एग्री के लिए आरंभ एग्री क्लास पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आपसे वादा किया था कि 12 तारीख को आपको फल परिरक्षण से संबंधित क्लास में आपकी लूँगा और बहुत ही मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम मिलता है, बाकी तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना समय निकालूँ, 2 GB नेट आपके लिए खर्च करूँ, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है। बिना कुछ तो मेरा भी स्वार्थ है, इसमें स्वार्थ है कि मेरी भी तैयारी आपके साथ साथ होती रहेगी। मेरी तैयारी थोड़ी हाई लेवल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ बल्कि कोई दूसरी तैयारी है। तो चलते हैं, पिछले कुछ पेपर्स आए हुए हैं आज मैंने देखे हैं, उनमें जैसे उदयपुर कृषि पर्यवेक्षक अभी 23 में ही हुआ है उसका देखा है, राजस्थान के जो पिछली भर्ती है हुई 21 वाली हुई उसका देखा है। तो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप कोचिंग सेंटर्स में जो 400-400 पेज के नोट्स एक ही सब्जेक्ट के आपको थमा दिए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या एग्जामिनर पूछने वाला, नो डाउट। अब जैसे पल परीक्षण से संबंधित पिछली बार जितने भी बार क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, मतलब कोई इतना डेटा वाला क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज क्या है, उसकी मात्रा क्या है और उसके लिए उपयुक्त फल क्या है या उसके लिए उपयुक्त रसायन क्या है, बस ये चीज है। क्या क्या है, एक तो पहला है कि कैनिंग हो गया आपका, मारलैंड हो गया, सॉस हो गया, जेली हो गया, जैम हो गया, केचप सॉस, टमाटर के जितने भी ऐसे आइटम बनते हैं उनके अंदर उस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, उसका कलर कैसा होता है, उसमें केमिकल कौन सा ऐड किया जाता है, तो और मतलब जैसे सपोज करो सॉस के लिए कौन सा फल बेस्ट है, जेली के लिए कौन सा बेस्ट है, जेली में जेल की पेक्टिन की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है, तो ऐसे केवल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ये घबराने की बात नहीं कि मैं 11वीं की किताब पढ़ रहा हूँ या 12वीं की पढ़ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सही नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ कि पिछले जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं कोई भी इस बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ने का तरीका उसको आना चाहिए और क्वेश्चन करने का तरीका। अब इस पैराग्राफ में से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा मेरा जैसा, तो वो यही बनाएगी कि सब्जी उत्पादन का या फल उत्पादन का कितना नुकसान उसके उपयोग से पहले या तुड़ाई बिना उपयोग के पहले हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और इसमें से पूछे ही आंकड़े ही हैं। इस जो चैप्टर है इसमें से केवल उन्होंने आंकड़े पूछ रखे हैं, जेली में जेल पेक्टिन की आवश्यकता कितनी होती है जेली बनाने के लिए, या फिर फ्रीजिंग के लिए या कैनिंग के लिए कि फलों को कितने सेंटीग्रेड तापमान पर अपन को साफ करना चाहिए, या फिर सब्जियों को कितने सेंटीग्रेड पर साफ करना चाहिए। वही फ्रीजिंग की बात करें तो उसका भंडारण कितने सेंटीग्रेड पर करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो बस सीधे सिंपल चलते हैं, ज़्यादा गहराई से अपने को कहीं जाने नहीं है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पल परिरक्षण का टॉपिक डाल सकते हो और लिख सकते हो कि पहला लिख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, ऊपर तो मैं नहीं पढ़ूंगा। फलों की तुड़ाई के पश्चात बिना उपयोग किए हुए फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत नुकसान हो जाता है, फल और सब्जियों में तुड़ाई के पश्चात कितना प्रतिशत नुकसान हो जाता है, फल व सब्जियों के तुड़ाई के पश्चात बिना उपयोग किए ही कितना प्रतिशत नुकसान हो जाता है, तो आंसर में लिखिए 25-30%। बस इतना छोड़ो इस पैराग्राफ में से, और पूछेगा ये करंट तो आप 21-22 का या 20-21-21-22 का उत्पादन देख लेना, ये डेटा मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, और उत्पादन कितना है फल और सब्जियों का राजस्थान में और भारत में, तो आप वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। फल और सब्जी उत्पादन कितना हो रहा है ये आपको जो राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे है और भारत का भी जो आता है सर्वे उसके अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, फल परिरक्षण की स्थिति क्या है,
मतलब कितना प्रतिशत फलों का परिरक्षण हो जाता है, कितना प्रतिशत भारत में उपयोग हो जाता है और खराब हो जाता है या अन्य उपयोग होता है। भारत में फल परिरक्षण अत्यंत ही प्राचीन काल से प्रचलित है। फल व सब्जियों को सुखाना, पहला होता है ड्राइंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। अचार बनाना, पेय पदार्थ बनाना, आपका जैसे मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, केचप, सॉस, आजकल तो ट्रेंड चल गया, जो लड़के हैं आजकल की लड़कियां सॉस की दीवानी होती है, क्योंकि सॉस उनको चाहिए जहाँ पे भी बर्गर पिज्जा। मैं वैसे उनमें इंटरेस्ट कम लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ आजकल चलन में बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस पर आप एक अच्छी खासी व्यवसायिक दुनिया भी स्टार्ट, मतलब व्यवसायिक प्रगति ला सकते हो, आप खुद भी इससे संबंधित रोजगार कर सकते हो। अभी टमाटरों का भाव बढ़ रहा है, लेकिन वही सॉस वही रेट पे है, तो ऐसा थोड़ा देखना पड़ता है ना। जबकि विकसित देश, यहाँ पे हमारे देश में फल और सब्जियों का कुल उत्पादन का मात्र 2% भाग ही परिरक्षण किया जाता है। नोट डाउन करो, भारत में कुल सब्जी व फल उत्पादन का कितना प्रतिशत परिरक्षण किया जाता है? तो 2%। कितना? 2% लिख लो। भारत में कुल सब्जी उत्पादन का कितना प्रतिशत परिरक्षण किया जाता है? यहाँ तक भारत में कुल सब्जी व फल उत्पादन का कितना प्रतिशत परिरक्षण किया जाता है? तो 2%, पेपर में देखने को मिल सकता है। जबकि विकसित देश यूएसए, कनाडा, थाईलैंड, रशिया, चाइना, ये क्या करते हैं, यानी कि उनका जो उत्पादन होता है ना, उसको 80% तक वो क्या करते हैं, पैकिंग में काम कर लेते हैं, यानी कि उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में वो यूज कर लेते हैं। अभी टमाटर सॉस, इनके क्या है, ये केचप, ये बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ पे भी आप जाओगे, यहाँ पे इतना प्रिरक्षण के संसाधन नहीं है। इधर नॉर्थ में आओ, सॉरी साउथ के इंडिया के अंदर ये चीज़ें बढ़ रही है लगातार। यहाँ पे टमाटर को जैसे ही खराब टमाटर था उसका सॉस बना लिया, मतलब इधर थोड़ी प्रगति है इन चीज़ों में। जो विकसित देश हैं उनसे पहले कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इधर आती है, मतलब ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला, ये नोट डाउन कर लो, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला सन 1920 में मुंबई में स्थापित की गई। आगे ना इधर आती है, नॉर्थ मतलब साउथ इंडिया की तरफ आ गया, तो सबसे प्रथम परिरक्षण की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की भारत में? 1920 में और मुंबई में की गई थी। तो अगर उसका एग्जामिनर का दिमाग यही लग जाएगा कि नहीं, मेरे को परिरक्षण में सबने आम जेली, मुरब्बा, जैम, जेली सब पढ़ रखा है, मैं तो ये सेंटर पूछता हूँ, तो वो पूछ सकता है कि भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? तो मुंबई है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि सब हर बार सॉस जेली पूछ रखा है, तो क्यों ना यहाँ पे भी उसका दिमाग जा सकता है। इसके पश्चात 1939 में देश में कुछ उद्योगशालाएं हैं, उद्योगशालाएं की जो परिरक्षण के काम में करते हैं, जैसे कैंडी, आंवले की कैंडी सबने खाई होगी, कैंडी पदार्थ, पल पाक यानी कि फलों का पाक, अवलेह, मामलैंड पेय पदार्थ बनाती थी। इसमें भारत में फल परिरक्षण की व्यवसाय धीमी गति से बढ़ रहा था, यानी कि चल तो रहा था लेकिन कम कम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी गति तेजी से आई। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता होने के पश्चात खाद्य के उद्योग के स्थायी बुनियादी रखी, विदेशों के आयात पर पाबंदी लगा दी, यानी कि वहां से कुछ चीजें खाने को नहीं मंगाई। सरकार ने परिरक्षण उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अनेक रियायतें दी। 1955 में आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम, नहीं पूछने वाला आपसे, ये संविधान नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एपीओ समय समय संबोधित किया 1 अप्रैल 2009 को, एक मिनट यहाँ से देखना, फल व सब्जी प्रोडक्शन की 6400 इकाइयों का स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जारी किया, इनको भी छोड़ दीजिए, आपका कोई मतलब नहीं है। फल परीक्षण का महत्व क्या है, इसको भी छोड़ दीजिए, आप यहाँ से भी कोई आपसे नहीं पूछने वाला। अब चलते हैं जहाँ अपन को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को चाहिए, वहाँ पढ़ेंगे अपन। इसका इकोनॉमिक महत्व क्या है, फल और सब्जियों को अगर आप स्टोर कर सकते हो, मतलब परिरक्षण कर सकते हो, तो
वो समय जहाँ सब्जियां नहीं है या फल नहीं है, वहां पर प्राप्त संसाधन नहीं है उगाने के, तो वहां पर बेचकर आप ऐसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट ये, अब जैसे टमाटर का सॉस वर्तमान में बिक रहा है, टमाटर नहीं तो सॉस बिक रहा है, तो ऐसी चीज़ें, अगर अचार जहाँ सब्जी के लिए खाने को नहीं है तो वहाँ अचार बेच कर उनकी आवश्यकताएँ मतलब पूर्ति की जा सकती है, उपभोक्ताओं को अधिक पैसे अपन कमा सकते हैं। ये ऐसे स्थान जहाँ पर सब्जियाँ अधिक पैदावार होती हैं, फल प्रेक्षण का उद्योग स्थापित कर उचित मूल्य दिया जा सकता है। ठीक है, औद्योगिक महत्व आप ये भी छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। परिरक्षक पदार्थों का निर्यात, यानी कि अगर आपने कुछ बनाया है, सॉस बनाया है, मार्लेंड बनाया, मुरब्बा बनाया, जेली बनाया, अब राजस्थान में आप बात करेंगे तो केरी का अचार सबसे फेमस है, उधर पश्चिमी राजस्थान में केर सांगरी का अचार, तो इन चीज़ों पर आप देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हो और उससे अधिक पैसा कमा सकते हो। जो केर सांगरी होती है ना, उसमें मेरे को एक विद्यार्थी बता रहा था कि 150 रुपये किलो केर सांगरी जो उधर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है ना, केर सांगरी, उससे 5-4 चीज़ें उसके अंदर होती है, इनकी ड्राई फूड की तरह वो सब्जी मिलती है मार्केट में। तो जैन जो होते हैं, मेरे दोस्त था, उसने बना रखी थी एक बार सब्जी, मैंने भी खाई थी, तो बोलता है कि 150 रुपये किलो सूखी सब्जी, इनकी जैसे अपन क्या कोई सा भी मसाला लेके आता है ना, उस तरह मिलती है, और 150 रुपये केजी तक बिकती है। तो आप पश्चिमी राजस्थान से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सांगर केयर, उनको आप फलों को ड्राई करके अच्छे से निर्मित, उनको फफूंद नाशक से ट्रीटमेंट करके आप स्टोर करके उन्हें मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि उसका परिरक्षण आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। भारत में निर्यात किए जाने वाले परिरक्षित पदार्थ की मात्रा और मूल्य, ये इतना इतना खीरा और खीरे से तैयार की गई वस्तु इतने करोड़ में बेची गई, वहीं सब्जियां इतने बेची गई, आम का गुद्दा इतना बेचा गया, यहां नहीं पूछेगा तो आगे चलें। रोजगार आराम से मिलेगा, संतुलित आहार तो मिलना ही है। अब इसके आगे चलेंगे, फल प्रेक्षण के सिद्धांत और विधियां, यानी कि यहां से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत बड़े चांस है। फल परीक्षण के सिद्धांत विधियों का मतलब होता क्या है कि एक तो अपने को ये पता होना चाहिए किस तरह का फल है। अब जैसे नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक दो तरह के फल होते हैं, सब्जियां जल्दी ख़राब होने वाली होती है, फल थोड़े उससे लेट ख़राब होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उनको प्रिजर्वेटिव पदार्थ के साथ मिलाकर अपन स्टोर कर सकते हैं, उसका परिरक्षण कर सकते हैं। और फल और सब्जियां जीवदारी उत्पाद हैं जिन्हें तोड़ाई के पश्चात सभी क्रियाएं होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, यानी कि आम जैसे कच्चा तोड़ लिया था लेकिन वो पक जाता है धीरे धीरे, वह श्वसनवाद प्रसन्न आदि इसी की तोड़ाई पश्चात उन्हें बहुत ही रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन अवांछित सीमा तक हो जाते हैं, यानी कि नॉन नीड अनवांटेड, यानी कि जहाँ अपने को आवश्यकता नहीं है फिर भी वो बढ़ता रहता है, फिर उसमें क्या होता है वो अनुपयोगी हो जाता है, उसमें फंगस लग जाएगा, कोई डिजीज लग जाएगी या वो खराब हो जाएगा, तो उसमें गंद आने लग जाती है, तो ये क्या है अपने को वो चीज़ नहीं चाहिए, यानी कि इसको यहीं रोकना है, इस परिवर्तन को नहीं चाहिए अपने को, यहाँ तक कि अपनी सब्जी कंप्लीट है, वो तोड़ाई योग्य है, तो उसको वहीं पर अपने को मतलब ये जो क्रिया है ना भौतिक और रासायनिक, क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को ही अपने को स्टॉप करना है। अपने कैरी ले ली, कैरी को काट दिया, कच्ची थी कैरी, पक नहीं रही थी, उसको सीधा ऑयल में बॉईल करके बॉक्स में पैक कर दिया, नमक साल्ट मिर्ची लगा के, क्या वो आगे पकेगी, नहीं पकेगी। तो इस क्रिया को या इस सिद्धांत को ही अपन क्या कर सकते हैं, फल परिरक्षण के सिद्धांत कह सकते हैं या मेथोडोलॉजी कह सकते हैं। तो अपने को क्या है यहाँ पे कि इन क्रियाओं को ब्रेक करना, क्या करना है अपने को ब्रेक करना ही प्रिजर्वेशन है, उनका काम ही यही है, प्रिजर्वेटिव पदार्थ, प्रिजर्वेटिव ऑयल शक्कर, ऑयल शक्कर नमक साल्ट और केमिकल ऐसे, और ड्राइंग सुखाना, ये सारी चीजें क्या होती है प्रिजर्वेटिव के नाम से भी जान सकते हैं अपन उन्हें, इसे अवस्था से पूर्व ही उन्हें, ये आ गए यहीं पे सिद्धांत। एक बार अब आप थ्योरी समझ जाओगे तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यहाँ पे बोल रहा है इसी अवस्था से पूर्व ही उन्हें खाद्य पदार्थ तैयार करें, यानी कि अगर जैसे मैंने कच्ची केरी का उदाहरण दिया, उसको पहले ही अपन बिना पके ही
उसको अगर अपन ऑयल में गरम ऑयल के अंदर डालकर उसको प्रिजर्वेटिव कर लेते हैं तो अचार बन जाएगा। अचार बहुत समय तक अपन रख सकते हैं, इनकी खराब होने से उसे बचा सकते हैं। ठीक है, अतः फल परीक्षण वह विज्ञान है जो प्रकृति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाकर सब्जियों के संसाधन नष्ट होने ना दे, यानी वैज्ञानिक विधि का ज्ञान कराता है, यानी कि अपनी जो सब्जियां हैं उनको बचाने का काम क्या करता है। फल परीक्षण का मेन मोटा उद्देश्य क्या है, फल परीक्षण या फल परीक्षण के सिद्धांतों का, कि अपनी फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। ठीक है, आगे चले। फल और सब्जियों के खराब होने के मुख्य कारण, बेसिक में अगर स्टेटमेंट पूछ ले तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वह वातावरण के तापक्रम के कारण होता है, पहला तो है शुष्कने और सूखना, पहला होता है डिस्क्रिलेशन यानी कि ड्राइंग, ये वातावरण के उच्च ताप के कारण होता है। अगर अपन ने एक टमाटर है जो अभी गर्मी में बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि 40 डिग्री तक टेम्परेचर राजस्थान में जाता है, तो बहुत गर्मी के कारण सब्जियां फल सब बहुत जल्दी खराब होते हैं। नमी ताप के कारण वात्पोषण क्रिया कम हो जाती है, तथा ताजा फल सब्जियों में झुर्रियां पड़ना प्रारंभ हो जाती है और सिकुड़ने लग जाते हैं। सबने देखे होंगे सड़े टमाटर, सड़े सब्जियां मार्केट में देखी होगी आपने सबने, ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी। दूसरा है एंजाइम की क्रियाशीलता और रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि तोड़ने के बाद उनमें लगातार ऐसी क्रियाएं फलों में चलती रहती हैं। क्या होता है, सब्जी और फलों को तोड़ने के बाद भी उन्हें एंजाइम एक्टिवेट रहते हैं, उनकी जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो एक्टिवेट रहती हैं, जिनके कारण भी उनमें बदबू आने लग जाती है या उनमें अन्य माइक्रोब्स जो इन्वायरमेंटल में होते हैं जीवाणु, वो उसके अंदर वृद्धि कर जाते हैं और अपने के लिए वो पककर सड़ने लग जाते हैं, तो उनके कारण भी अपन अपने को नुकसान हो जाता है, इनकी सब्जियों को नुकसान हो जाता है। माइक्रोब्स की मैंने बात की है, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं कि कैसे खराब करेगा कोई भी, अगर वातावरण के संपर्क में केले को आप 2-5 मिनट रखोगे उसके बाद उसका छिलका काला पड़ जाता है, इसी तरह सब्जियों में भी आप बैंगन की सब्जी को काट के रखोगे थोड़ी देर बाद में ब्लैक हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या है, एक इन्वायरमेंटल को पे जो सूक्ष्म जीव के उसको प्रभावित कर देते हैं और उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी सॉरी, आगे चले। एक मिनट ब्रेक करता हूँ यार, सॉरी। सॉरी, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या होता है, एंजाइम की क्रियाशीलता हो गई, इसके बाद माइक्रोब्स हो गए, तो उनको सबको रोकने के लिए इनकी अपने को क्या क्या रोकना है। पहला तो अपने को रोकना है कि फल के तोड़ने के बाद वो श्वसन क्रिया करता है, क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, धूप के संपर्क में आता है, कभी पानी के संपर्क में भी आ सकता है बारिश का सीजन में, तो उन चीज़ों से अपने को फल या सब्जी को बचाना है, यानी कि एक कंट्रोल कंडीशन उनके लिए तैयार करनी है, जिसे अपन क्वारंटाइन का नाम सुना होगा आपने। अगर किसी भी फल को अपन को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना है तो उसे पहले क्वारंटाइन किया जाए, यानी कि उसको शुद्धता के साथ में रखा जाए। तो इसकी सहायता कि फल और सब्जियों को अपन सड़ाने वाले सूक्ष्म जीवों को जीवाणु कैनिंग बोल्टिंग में विशेष समस्या उत्पन्न करते हैं, यानी कि अगर अपने को कैनिंग करनी है, सपोज उसका डिब्बा के अंदर अपने को डालना है, डिब्बेबंदी जैसे मटर की हो गई या कोई दूसरा पदार्थ हो गया या बोटलिंग हो गई, बोतल में बंद करना है, तो उनमें अगर अपने हल्का पानी या कोई दूसरी वायु या कुछ
धोने से सफाई में थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर कमी पाई जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, फंगस लग जाएगी। आपने बहुत सारे उन्होंने देखा होगा, अभी घी की जो बोटली होती है अपनी, उसके अंदर आप अभी बारिश के टाइम पे थोड़ी भी अगर नमी चली जाएगी तो ब्लैक ब्लैक फंगस हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग फ्रूट में अलग अलग, या सब्जियों के जो अपन जो उत्पाद बनाते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं। ये किसके कारण? सूक्ष्म जीवों के कारण, यानी कि उसके संपर्क में अगर क्लाइमेट के संपर्क में आएगी और उसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट अपन यूज नहीं करेंगे पदार्थ, तो उसमें समस्या आती है। तो ये जीवाणु जीव विष उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये फंगस जो होती है विशेष प्रकार की, ये जहरीली होती है। इन जीवाणु को बीजाणु उच्च ताप के प्रति शेषण हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये बीजाणु उच्च ताप के प्रति शेषण हो जाते हैं, यानी कि मोर 40% 35% डिग्री का तापमान है तो वहाँ पर भी खमीर व फफूंद उत्पन्न कर देते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में भी फफूंद इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आते हैं साहब अपनी मेथडोलॉजी, यानी कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, समझ में आ गया होगा, बेसिक तो इतना हार्ड नहीं है। फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? एक तो होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई। दोनों आप सरकारी नौकरी लगोगे तो पता लगेगा। अभी एक प्राइवेट होता है जो कुछ दिनों में हटा दिया जाता है, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों चीज़ यही है। अस्थाई परीक्षण की ऐसी विधियाँ हैं जिनके द्वारा फल और सब्जियों को कुछ दिन, यानी कि ना कुछ महीनों, पहला है अस्थाई के अंदर केवल स्टेटमेंट देख के भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि अस्थाई विधियाँ कौन कौन सी है या फिर किस तरह की जाती है। तो अस्थाई विधियाँ को नोट डाउन करो। फल परिरक्षण की निम्न में से अस्थाई विधियाँ है, क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्या बोलते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की अस्थाई विधियों के का सही क्रम है या सही समय लेते हैं, यहाँ पे लिखेगा वो, जैसे स्वच्छता एक नंबर पे डाल दिया उसने, दूसरे में डाल दिया उसने निम्न ताप क्रम पर, मतलब निम्न ताप क्रम, और यहाँ पे बीच में लाएगा तीसरे नंबर पे वो परमानेंट वाली, यानी कि स्थाई वाली। तो निम्न कौन सा कॉलम या कौन सा जोड़ा सही है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता आती है तो ये अस्थाई में आती है, और निम्न लो टेम्परेचर आती है ये भी अस्थाई में आती है। इसके नीचे चलेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, रुको एक मिनट, पहले मैं इनको उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर वायु निष्कासन एयर क्लीन के ऊपर, इसके बाद में आती है आपकी दूसरे पे चलेंगे फिर बाद में, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अस्थाई विधियाँ पे अपन बात कर रहे हैं, तो केवल ये कुछ महीनों तक या कुछ दिनों के लिए अपन फलों को रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक और कुछ महीनों तक अपन फल और सब्जियों को परिरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उन्हें डब्बे बॉक्स या किसी आचार के रूप में अपन उन्हें रख सकते हैं। यह है स्वच्छता, यानी कि तुड़ाई उपरांत भंडारण करने से पहले कटे फटे रोगाणु से प्रभावित फलों सब्जियों को काट छाट कर अलग साफ पानी से धो लेना। क्या होती है ये, साफ पानी से धोना ही एक प्रकार की विधि है। लगी हुई धूल मिट्टी को साफ करना सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है, फलों को खराब होने से बचाती है। यानी कि अगर कोई फल खराब था लेकिन उसको साफ करके अपने रखा तो उसको थोड़ा दो दिन के लिए रख सकते हैं, तीन दिन के लिए रख सकते हैं, ये हो गए अपनी क्लीनिंग बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। स्वच्छता, स्वच्छता थोड़ा हिंदी का यार मेरा इतना, मैं नहीं कहूँगा मैं क्लीन हूँ या क्लियर हूँ, बट समझने की कोशिश करो। मेरा कोई किसी से एक रुपया का भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप वो कमियाँ निकालो वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे। निम्न ताप पर, इनके लो टेम्परेचर, ताजे फल एवं फलों एवं सब्जियों को निम्न ताप पर बिना किसी परिवर्तन के कुछ समय तक भंडारित किया जाता है। निम्न ताप के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं एंजाइम की कम क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे आप फ्रिज का नाम आपने सबने सुना है, तो उसमें क्या करते हैं, बाहर का टेम्परेचर अपना 20-40 होता है लेकिन उसमें -1 से 5 डिग्री तक भी होता है, तो वहाँ पर अपन को इनको 2-4 दिन 15 दिन अपन फ्रिज में रख सकते हैं। इनकी ये भी एक कुछ दिनों वाली बात कर रहा है, तो उसको अपन खराब होने से बचा सकते हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाई टेम्परेचर आ गया, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता वृद्धि को उच्च तापक्रम द्वारा नष्ट किया जाता है। अब इसके लिए देखो, इसने लिखा है
कि अगर अपने को हाई टेम्परेचर पर अगर स्टोर करना है कोई सब्जी या फल तो वहाँ पर कितना उच्च तापक्रम पर, तो ये ऑप्शन में देखने को मिल सकता है भाई साहब आपको। एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, फल व सब्जियों के उत्पाद से होने वाले रासायनिक क्रियाएं और एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं निम्न कितनी रेंज पर या कितने टेम्परेचर पर, तो 160 से 180 फारेनहाइट। कितना? 160 से 180 फारेनहाइट पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, कि कोई भी सब्जी या फल को अपन 160 से 180 फारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर पर अपन रखते हैं तो उनके एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कम हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण आ गए, ये भी अस्थायी है, नॉन परमानेंट पाश्चीकरण, मैंने अभी लिखाया था आपको पास्तुरीकरण। दूसरा है ब्लोचिंग, यानी कि गर्म पानी में भी अपन उबाल कर 2-4 दिन उनको रख सकते हैं ताकि उसमें कोई जीवाणु या माइक्रोब्स नहीं लगे, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाते हैं और फलों को नष्ट होने से बचा सकते हैं होता है। उसके बाद है वायु निष्कासन, यानी कि सपोज करो एक आपने रूम है जिसमें सब्जियां फल रखे हुए हैं तो वहाँ की ऑक्सीजन की वायु जीव की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन क्या करती है जीवाणु के लिए श्वसन की क्रियाशीलता को बढ़ाती है, अतः फलों के सब्जियों में बने उत्पाद डिब्बों में वायु से बाहर निकाल देने से कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी कि उसको डिब्बे को एयर टाइट किया जाना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी जो जिस बॉक्स में अपन फल रख रहे हैं उसके अंदर ये ऑक्सीजन की मात्रा और अन्य मात्रा की उपस्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में जीव क्रिया नहीं कर सकते हैं, मतलब जहाँ जीवाणु होंगे वहाँ अगर वायु नहीं होगी तो थोड़ा अपना बेनिफिट मिल जाएगा, जो अपने फल और सब्जियाँ हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वह निर्बाध पैकिंग की विधि के सिद्धांत पर कैनिंग में, ये देखो कैनिंग मतलब एक बोतल के रूप में निर्बाध पैकिंग की विधि इसी सिद्धांत पर निर्भर करती है, यानी कि जो घी के डिब्बे आते थे पहले उनको पहले गर्म वायु से साफ किया जाता है, उसके बाद उसकी वायु को साफ किया पूरा खाली किया जाता है, बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी मतलब हवा नहीं होनी चाहिए। आपने डेयरी कहीं डेयरी देखने गए हो तो डेयरी में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर उस घी का जो टिन के डिब्बे होते हैं उनमें बिल्कुल भी वायु नहीं रहनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल साफ किया जाता है, उसके बाद ही इसमें नमी निष्कासन में मॉइस्चर रिमूविंग। तो इसके बाद में नमी का मतलब होता है मॉइस्चर, पानी की मात्रा। नमी सूक्ष्म जीवों में क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होती है, एंजाइम की क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रिया भी उचित नमी की अवस्था में अधिक होती है, यानी कि फल ज़्यादा अगर वहाँ पे मॉइस्चर है तो वो जल्दी ख़राब होंगे। फल और सब्जियों में 80% तक तो पानी होता ही है तक नमी होती है, इसलिए शीघ्र खराब होते हैं। क्या होती हैं शीघ्र खराब होने का कारण ही क्या है? फल और सब्जियों में 90% पानी होता है, ये याद रखना है। अतः फल और सब्जियों की नमी को कम करके उन्हें कुछ ठोस पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर स्थायी रूप से अस्थायी नॉट परमानेंट परिरक्षित किया जाता है, जैसे फल सब्जियों को सुखाना। ये हो गया। अब अंगूर के किशमिश बनाकर आप कितने दिन रख सकते हो? बहुत दिन। अंगूर को बहुत दिन नहीं रख सकते हो। फल रस को गाढ़ा करके परिरक्षित करते हो आप, जैसे सपोज करो एक क्या बोलो नींबू का रस निकाल लो और उसको बहुत दिनों तक आप स्टोर कर सकते हो, नींबू को नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ें अस्थायी है। अब आता है साहब मृदु प्रतिरोधक पदार्थ का उपयोग, यानी कि इन्हें बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं प्रिजर्वेटिव पदार्थ बोल सकते हैं आप इन्हें। पहला आता है नमक का, तो किसी भी अगर अपन को नमक का इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ को तो नमक का कितना प्रतिशत? 6-8%। अगर शक्कर से किसी को स्टोर करना है शक्कर के साथ में तो 42-50। तो यही क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ को या फल परीक्षण में नमक की कितनी मात्रा? 6-8%। चीनी की कितनी मात्रा? 42-50%। सिरका एक केमिकल आता है, इसकी 0.5 से 1.5% मसाले की थोड़ी मात्रा के साथ, इनकी मसाले भी हेल्प करते हैं जैसे धनिया सौंफ और मेथी, मेथी का नाम सुना होगा ना, वो भी आपको अमचूर जी है आजकल आप मार्केट में मिल जाता है जो उससे अचार में डालते हैं, ये चीज़ें क्या करती है ये पदार्थ की वो जो अपन जो डाल रहे हैं अचार डाल रहे हैं मुरब्बा डाल रहे हैं उनकी लिमिट को यानी कि उनकी क्षमता को बढ़ा देती हैं।
जैसे अचार में नमक हो गया, टमाटर के सॉस में सिरका हो गया, इसका उदाहरण आपको दे ही रहे था मैं। तो अब आते हैं साहब अपन सेकेंड परमानेंट स्टोरेज प्रिजर्वेशन या परिरक्षण कह सकते हैं। अस्थायी परिरक्षण का मतलब होता है कि ऐसी विधियां जिनके द्वारा फल व सब्जियों को कुछ वर्षों तक, देखो इधर उधर बात कर रहा था केवल कुछ दिन कुछ महीनों की, यहाँ पे कुछ वर्षों की बात कर रहा है। अस्थायी परिरक्षण में निम्न विधियों का प्रचलन है। पहला है जीवाणुहीनीकरण, यानी कि अगर जहाँ पे भी अपन परमानेंट स्टोरेज के लिए अपन को कुछ करना है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लाइमेट में जो इसके सब्जी के संपर्क में या फलों के संपर्क में जो जीवाणु है ना उनको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए फल और सब्जियों को जीवाणु रहित कर लेकर डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 सेंटीग्रेड, अभी मैंने नोट्स में डाला हुआ था, 100 सेंसियल तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक कम अम्लता वाले पदार्थों में गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है। तो जीवाणु विहीनीकरण का समय कितना है, तो 30 से 60 मिनट, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100 सेंटीग्रेड। भाई यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके कि जीवाणु विभिन्नीकरण क्रिया में कितना तापमान रखते हैं, तो 100 सेंटीग्रेड रखते हैं, और कितना समय लेते हैं, तो 30 से 60 मिनट का समय लेते हैं, और इसमें लो अम्लता मतलब कम अम्लता वाले पदार्थों को गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है। आपने देखा कहीं हॉस्पिटलों में अगर आप गए होंगे ना कोई भी, तो वो क्या करते हैं सिरिंज को भी, वो जो भी चीज़ यूज करते हैं उनको गर्म पानी में, ऑपरेशन थिएटर में कोई एंट्री की हो किसी ने, तो या तो वो अल्कोहल आता है, अल्कोहल से जीवाणु को साफ करते हैं, सभी जो वो जो भी सामान यूज करते हैं ना उनको अल्कोहल से साफ करते हैं। जैसे सैनिटाइजर क्या है, उत्तम उदाहरण सैनिटाइजर है, जैसे हाथों को साफ किया जाता था, मुंह को मतलब जो भी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, तो एक प्रकार का सैनिटाइज का काम करता है ये, क्या काम करता है, सैनिटाइज का काम करता है। उसके बाद अपन चलेंगे, अब तो समझ गए हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं समझा सकता। सुखाना और निर्जलीकरण करना, फल व सब्जियों के परिरक्षण की ये विधि प्राचीन और अत्यंत प्रचलित है। इसकी विधि के अंतर्गत फल व सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़े, ये आ गया अपना आगे वाला आएगा, अभी किसने मुरब्बे की या आंवले की वो क्या कैंडी खाई है, छोटे छोटे टुकड़े शक्कर के साथ में मार्केट में छोटे छोटे पन्नियों में मिलते हैं, काटकर धूप में सुखाकर निर्मलीकरण मशीन सुखाओ धीरे धीरे नमी रहित करते हैं। सिद्धांत, जब कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 70% अधिक हो, सब्जियां सूक्ष्म जीव की सक्रिय हो, आपने सबको पता है सूखी कैरियों की सब्जी किसने खाई होगी, वो भी एक प्रकार का सुखाना ही है, सूखी कैरिया जब गीली कैरी होती है उसको काट कर अपन छत पे सुखा देते हैं ना, फिर उसके बाद में उसको बाद में सर्दियों में या कहीं भी अपन काम लेते हैं। गुवारफली किसने खाई है, सांगरी किसने खाई है, उनको सुखा देते हैं फिर जब अपने को आवश्यकता होती है। काचरी, काचरी का नाम सबने सुना है, उसको सुखा के बाद में अपन यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन की थैलियों डिब्बों में भरकर परिरक्षण कर लेते हैं, कोई केमिकल नहीं मिला रहे हैं, बस इतना करना है कि उसको ड्राई करना है सुखाना है, इससे ज्यादा उदाहरण कोई दे ही नहीं सकता, ये तुम्हें गारंटी है। क्यूनीकरण क्या है, क्यूनन वह रासायनिक अभिक्रिया स्तर कराए पदार्थों का एंजाइम युक्त पदार्थों द्वारा अपघटन होता है। इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों एंजाइम गतिविधियों को रोक देते हैं, ये भी एक प्रकार का एंजाइम गतिविधियों को ब्रेक करने का ही मेथड है। क्यूनन फर्मेंटेशन, ये एल्कोहलिक क्यूनन, इस क्यूनन में एक्जो शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा किया जाता है। एल्कोहल क्यूनन में कौन सी शर्करा होती है, क्वेश्चन देख सकते हो, एक्जो एक्सोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है। एल्कोहलिक क्यूनन में एक्जो शर्करा का अपघटन कौन से द्वारा किसके द्वारा होता है, तो खमीर के द्वारा होता है, और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या क्या बनते हैं एल्कोहलिक में, एल्कोहलिक क्यूनन में क्या क्या बनते हैं, एल्कोहल और कार्बन डाई CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। इसलिए एल्कोहल प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है, इनकी एल्कोहल क्या करता है फलों को सब्जियों को सबको वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रखता है। बियर का क्या कारण है, बियर में 4 से कितना% शायद 4 से 8-9% एल्कोहल होता है, उसके अंदर क्या है वो भी एक परिरक्षण का ही मतलब फर्मेंटेशन का ही उत्पाद है, तो उसमें भी एल्कोहल के कारण उसके जो जो का पानी है वो खराब नहीं होता। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मदिरा, ये उदाहरण आ गया आपका,
एल्कोहलिक व्यंजन क्या है, विभिन्न प्रकार की मदिरा, इनके अंदर क्या है, फलों का रस भी हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, किसी भी फल का हो सकता है, जो का हो सकता है। तो इसी 6H12O6 और यह है आपका खमीर और यह है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलें, एल्कोहलिक व्यंजन में क्या होता है, एल्कोहल बनता है, फिर इसके बाद आता है एसिटिक अम्ल क्यूनन, इसमें एसिटिक अम्ल जीवाणु होते हैं, ये क्या क्या करते हैं, क्यूनन एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल में जीवाणु द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एल्कोहल को भी एसिटिक अम्ल में चेंज किया जाता है तथा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि एल्कोहल को इस जीवाणु द्वारा एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा एसिटिक अम्ल में निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल मुख्य परिरक्षक का काम करता है, एसिटिक अम्ल क्या काम करता है, परिरक्षक कहन की, जैसे सोडियम बेंजोएट नमक की तरह ये भी एक उत्पाद है, वो भी उसमें परिरक्षण में काम करता है। फिर ये आता है एसिटिक अम्ल जीवाणु, ये फॉर्मूला आपसे नहीं आएगा वहाँ पे। लैक्टिक अम्ल में कौन से लैक्टिक जीवाणु, ये डेक्टोक्सर्क्र का जीवाणु द्वारा अपघटन होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल जो कि परिरक्षण के रूप में। अब अचार के अंदर क्या होता है, ये अचार का है ये सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। परिरक्षण पदार्थ के उपयोग द्वारा साधारण खाद्य पदार्थों के लिए उचित मात्रा में नमक, शक्कर, सिरका, मसाला, तेल, रासायनिक परिरक्षण का उपयोग कर उन्हें स्थायी परिरक्षण किया जाता है। अब स्थायी परिरक्षण में क्या क्या काम लिए जाते हैं, ये आ गया आपके, नमक आ गया स्थायी परिरक्षक विधियों के अंदर, ये है, इनको अपन क्या प्रिजर्वेटिव पदार्थ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी आप परिरक्षण परिरक्षक बोल सकते हैं। तो पहला तो नमक की कितनी मात्रा डालेंगे स्थाई में, वो उधर बताया वो मतलब टेम्परेरी था, स्थाई में 15-20 डालते हैं। सरकरा 65-70% डालते हैं, सिरका 2%, ये तो रट लेना सिरका की कितनी मात्रा, कोई सा भी चीज़ बनाए 2% से ज़्यादा नहीं डालते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिरका की कितनी मात्रा यूज करते हैं अचार में, तो 2%। सरकरा की अगर शक्कर की बात करें तो 65-70 अपन काम करते हैं, जैसे मुरब्बा में शक्कर की मात्रा पूछ सकता है, जेली में शक्कर की मात्रा पूछ सकता है, जेम में शक्कर की मात्रा पूछ सकता है, और मारलैंड में शक्कर की मात्रा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। किसी भी कोचिंग का माइका लाल नहीं बता सकता कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से आया है ये, 12th की और जो परिरक्षण की चैप्टर है इसी में से आया है। मैं खुद भी ये नहीं कहूँगा, मैं केवल किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये मुझे विश्वास है। अब आता है तेल द्वारा, तेल आप सब जानते हैं अचारों में सबसे ज़्यादा तेल ही अपन यूज करते हैं, तो ठीक है। रासायनिक परिरक्षक, अब ये आता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट KMS, इसकी मात्रा आपको बता दी मैंने, KMS की 350-500 ppm। यहाँ पे कितनी मात्रा लेते हैं, 300 नहीं, लिखने में नहीं आ रहा यार, माउस नहीं है, तो 350-500 ppm। अगर वो इसको प्रतिशत की बात करें तो 0.05%। KMS की कितने मात्रा लेते हैं ppm में, तो 350-500 ppm, और अगर इसको प्रतिशत में बात करें तो 0.05%। और सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का कितना उपयोग करते हैं, तो 700 ppm सोडियम बेंजोएट, ये 700 ppm 700 ppm या 0.07, यानी कि 0.07% अगर इसका सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, अब इसके लिए स्वेक्स और कॉर्डियल और सोस का याद रखना है, सोस फेमस हो रखा है तो सोस का याद रखना है। सोडियम में क्या डालते हैं, तो सोडियम याद रखना, सोडियम में क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डालते हैं, सोस में क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट, और 0.07% या 700 ppm तक। अब आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये फलों और पेय पदार्थों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में भी, आज कुरकुरों की थैलियां आप देख रहे हो भर भर के आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उनके अंदर क्या करते हैं कुरकुरों के अंदर
कौन सी गैस आती है, आप नोट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी जो कुरकुरो की जो थैली पैकिंग आती है उसके अंदर कौन सी गैस आती है, इतनी फूली हुई आती है उसमें, आप ये क्वेश्चन आपको देता हूँ। रेडिएशन द्वारा आजकल हाई टेक्नोलॉजी है तो उस रेडिएशन जो कौन सी गामा, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सी किरणों का यूज किया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, गामा यानी कि गामा रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, इसे ठंडी जीवाणु विहीन किरण क्रिया भी कहते हैं, यानी कि ये क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करती है। आगे चलें, लंबा हो जाएगा नहीं तो चैप्टर। फल और सब्जियों की डिब्बाबंदी कैसे करते हैं, इसका सफाई करना है, क्लीनिंग कैसे करते हैं, वायु का निष्कासन कैसे, चीनी की तीन प्रकार से गाढ़ी चाशनी, पतली चाशनी, यहाँ से आपको देख लेना, डिब्बा बंद करना क्या है, इस पर टेम्परेचर श्वेतन क्या है, ब्लॉन्चिंग क्या है, यहाँ पे चलो ब्लॉन्चिंग पढ़ लो एक मिनट क्या है। तैयार फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति का मतलब मैंने जैसा बताया वैसी विधि, यानी कि जो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली वैसा ही उपयोग, 2 से 3 मिनट तक उबले हुए पानी में रखना, उन्हें ठंडा करके क्रिया को ब्लॉन्चिंग कहते हैं, यानी कि पानी में गर्म करना। ब्लॉन्चिंग विधि में कितने मिनट तक फलों को या सब्जियों को उबाला जाता है, 2 से 5 मिनट तक। इसमें कितना बता रखा है, जैसे उनके रंग स्वाद में सुधार हो जाए, उनकी पिचकी गंदगी रोगाणु दूर हो जाए, टोकरी में रखकर 2-3 मिनट तक उबालते हैं, कितने 2-3 मिनट तक उबालते हैं, ठीक है इसको आगे कर लें। डिब्बों में फिलिंग आगे चलो, इसको छोड़ो यहाँ से नहीं आएगा। संसाधन प्रोसेसिंग क्या होती है, डिब्बा बंद करना, सीलिंग एक्सटेंडिंग निर्वात निष्कासन, वायु को निकालना होता है, ठीक है आपको बता दिया मैंने पहले। यहाँ आ जाओ साहब, इम्पोर्टेंट जैम, जैम फल पाक, फलों का पाक, जैम का मतलब क्या होता है, जैम है क्या चीज, जैम पके हुए फलों के का क्या है, गुदा है, और गुदे के साथ में क्या मिलाया है, इसने चीनी मिलाया है, इस पदार्थ को अपन जैम बोलते हैं। क्या फल पाक हिंदी में, मुझे नहीं लग रहा दिन सेवा सेन वाला फल पाक ही लिखे, लेकिन लिख सकता है ऐसा कंफ्यूज करने के लिए बीएससी एमएससी होल्डर को, तो फल पाक की जगह आप यहाँ पे जैम अवश्य लिख लें, हिंदी में क्या लिखना है, जैम। तो ये जैम है, जैम फलों के गुदे को चीनी के साथ में एक निश्चित अनुपात में पकाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है। सबने प्रैक्टिकल किया होगा तो पपीता या फिर कुछ दूसरा पदार्थ लिया होगा, उसके साथ शक्कर की चाशनी, जिसमें एक तार आना फिर 2 तार की चाशनी, ऐसे कुछ आपको बताया होगा अगर आप रियलिटी मेहनत की हो तो उनको जैसे कम से कम 38% यानी कि उसमें टीटीएस ये लिखा हुआ है, यही कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन को गलत करने का सबसे बड़ा फैक्टर यहीं से आएगा आपका जेम के अंदर, ये TTS लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में लिख लो, शायद लिखने आ जाए तो मैं लिखा ही देता हूँ यहाँ पे TTS, TSS, यार यहाँ लिखने का TTS, ये याद रखना है आपको, TTS कितना होना चाहिए फल पाक में, 68% TTS, 68 TTS याद करो, यानी कि जेम का TTS, जेम में TTS होना चाहिए कितना, 68 जेम का TTS, TTS याद करो मैं इतना बोल रहा हूँ, जेम के अंदर TTS कितना होना चाहिए, 68%, और बाकी चीज़ भूल जाओ, जेम में TTS, जेम के अंदर TTS 68%, और कुछ नहीं, ये लाइन नहीं याद रखना ही नहीं है, जेम के अंदर TTS कितना होता है, 68% होना चाहिए, और उसके अंदर अम्लता कितना होना चाहिए, अम्लता 0.5 से 0.6% अम्लता होनी चाहिए, हिंदी में आएगा अम्लता, और कुछ नहीं लिखा आएगा, तो जैम के अंदर अम्लता कितना होना चाहिए, 0.6% सॉरी, तथा 45% फल का भाग होना चाहिए, यानी कि फलों का भाग, यानी कि गुदे का भाग कितना होना चाहिए, यानी कि देख लो इतना आइटम तो दूसरा है लेकिन इसमें 45% फल का यूज किया है, यानी कि
पपीता का बना सकते हो आप जैम, किसका भी बना, अंगूर का बना सकते हो, आंवले का बना सकते हो, ये पपीता, ये रहा पपीता का जैम, बहुत शानदार होता है। और इसको चाय जैसा आप कलर दे के कलर में चेंज कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी का हो सकता है, आंवले का जैम होता है, करौंदे का होता है, अंगूर का होता है, खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू का होता है, गाजर का होता है, मिश्रित फलों का भी आप जैम बना सकते हैं। जैम के फलों का गूदा, चीनी, पेक्टिन, खटास, पानी की आवश्यक अंग है। यानी कि जैम जो आप बना रहे हो आप जैम, इसके लिए पेक्टिन की आवश्यकता तो नहीं है, क्या है, पेक्टिन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा खट्टास होना चाहिए, पानी होना चाहिए। जैम से फलित निर्मित स्वादिष्ट उत्पाद है जिन ग्रहों में लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ आजकल के गाँव में भी। आगे चलो, वो तो सबको ही पता है कौन नहीं खाएगा। इसके लिए फलों का चयन कैसे करना, नहीं कोई नहीं आना यहाँ से, कुछ भी नहीं पूछने वाला। इसके बाद अपन चलेंगे, बस वो याद रखना, टीटीएस याद रखना है, अमलता याद रखनी है, और फल का भाग याद रखना है। क्या क्या रखना है, अंतिम जैम तैयार हो गया है, जैम को टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, जैम मिलियाई क्या यार राजस्थानी लिख दिया पूरा, जैम मिलाई गई मिलियाई, गजब है किताब लिखने वाला, मिलाई गई मिलियाई, वाह। अच्छा, जैम में डाली गई शक्कर या चीनी का अनुपात 1.5 का भार का होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, शक्कर और का भार कितना 1.5 गुना होना चाहिए, जैम में मिलाई गई शक्कर या चीनी का भार कितना 1.5 गुना होना चाहिए। उबलते हुए जैम में एक बूंद पानी से भरे पात्र डालने पर वह बिना फैले ही पेंदे बैठ जाती है, ये टेस्ट करने का है। जेली की रेप्टोमीटर द्वारा जांच करते थे जेल की कुल टीटीएस 38%, यानी कि रेप्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, टीटीएस रेप्टोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये टीटीएस यानी कि टीटीएस टेस्ट, यानी कि जेम जेली का टीटीएस याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रेप्टोमीटर द्वारा, और ये 68% होता है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ही पूछ रखे हैं इसलिए मैं यहाँ से ही ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। फल पक्ष, चलो अवलेख जेली, जेम के बाद अवलेख को जेली को जेली लिख लो हिंदी में भी भाई लोगों, जेली, ठीक है, जेम जेली, जेम जेली दोनों अलग अलग है, जेम और जेली में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अवेल अवलेह जेली, और जेम में थोड़ी सी मैंने एक बात नहीं बताई, जेम क्या होता है, तो जो अपन किसी भी बोतल में अगर उसको भरते हैं तो उसके दूसरी तरफ अपन नहीं देख सकते, यानी कि अपारदर्शी होता है जेम, क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जबकि जेली में अपन आर पार देख सकते हैं जी, किसी बोतल के माध्यम से या उसको जिसमें भी अपन ने डाल रखी उसको अपन आराम से देख सकते हैं, और उसमें पेक्टिन की कोई क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। जेम के अंदर पेक्टिन की आवश्यकता मतलब जरूरी नहीं फलों के अंदर पेक्टिन मिले, और पेक्टिन किसमें मिलती है, फलों के अंदर मिलती है। तो आगे चले, अब आते हैं अपन जेली, जेली के अंदर पेक्टिन की आवश्यकता 100% होती है, कितनी होनी है वो आगे बात करेंगे। ये एक ठोस पदार्थ है, जेली क्या है, अर्ध ठोस पदार्थ है जो कि पेक्टिन युक्त, यानी कि 100% इसमें पेक्टिन की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हम 100% पेक्टिन नहीं, लेकिन पेक्टिन युक्त फल ही इसमें उपयोग करते हैं। उचित मात्रा में चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। जेली कुल गुलनशील यानी टीटीएस 65, जेली का टीटीएस जेम से कम होगा 3%, इधर देगा जेम टीटीएस दे देगा सामने 65, और उधर दे देगा, मिलान करो किसका टीटीएस कितना होता है, तो ऐसे ध्यान रखना है, जेम का जेली से ज्यादा, जेम का जेली से ज्यादा, मतलब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उन पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, जेम का जेली से ज्यादा टीटीएस होता है, जेम का जेली से ज्यादा टीटीएस होता है, उससे कम किसका होता है, जेली का होता है, जेम से ज्यादा जेली का टीटीएस होता है, तो जेम का कितना होता है 68 और जेली का 65, तथा फलों का रसभाग 45%, उसमें भी यही होता है, इसमें केवल यहाँ पे टीटीएस और पेक्टिन आपको दो चीज याद रखनी है, जेली और जेम में, और ये होती है पारदर्शी, यानी कि इसको आराम से आप देख सकते हो, दूसरी तरफ देख सकते हो, जेली के लिए उपयुक्त फल कौन से हैं और जेम के लिए, इन्हें नोट डाउन कर लेना। जेली मुख्यतः अमरूद का उत्तम
अच्छा फल माना जाता है। जेली बनाने का सबसे सर्वोत्तम फल कौन सा है? उत्तम फल तो अमरूद है, क्योंकि ये पेक्टिन पाया जाता है। फिर उसके बाद आम है, करौंदा, अंगूर, इसके बाद जामुन, खट्टे सेब, यानी कि खट्टा की बात कर रहा है, खट्टा सेब, तो खट्टे बुखारा। एक मिनट, मैं आपकी सुविधा के लिए इतना जूम करके देखता हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो आप पढ़ने में। अमरूद यानी कि जेली के लिए उपयुक्त फल कौन से और जैम के लिए कौन से हैं, आपको ये अलग से लिखना है, ठीक है। नारंगी आलू बुखारा से बनाए जाते हैं, इसका उपयोग टोस्ट डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यानी कि जेली किस में काम आती है? टोस्ट। अब यहाँ पे टोस्ट भी हो सकते हैं, टोस्ट भी होते हैं, डबल रोटी का नाम तो सुना है लेकिन ये टोस्ट कौन सा टोस्ट होता है पता नहीं, ठीक है। जेली का उपयोग डबल रोटी में किया जाता है। आदर्श जेली की पहचान यानी कि क्वालिटी वाली जेली कैसी होती है, अच्छी जेली क्या होती है। जेली चमकदार, आकर्षक, पारदर्शक, ये दिख लो यहाँ से। जेली क्या होती है? पारदर्शक होती है, ठंडी होने पर जिस पात्र में रखे उसी आकार का ग्रहण कर लेती है, यानी बहुत लूज होती है। सपोज इसे अपन कोई सी भी बोतल में रखेंगे तो वैसे ही वो आकार ले लेती है, चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में, यानी कि सूजी अपन बनाते हैं ना, सूजी आपने बनाई होगी, मतलब बहुत ढीली होती है, आराम से कट जाती है, ठीक है। उधर अपने राजस्थान में इतना इनका ये नहीं है, लेकिन इधर साउथ इंडिया में बहुत है, इनको बहुत खाते हैं लोग, सॉस और ये जैम मार्लैंड, ये हमारे मेस में बहुत मिलते हैं, इनको ब्रेड के साथ, यहाँ टोस्ट नहीं है, ब्रेड है, ब्रेड के साथ में मिला मिला के सॉस को खाया जाता है, या फिर दूसरा कोई जेली मार्लैंड, और एक और आता है जो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उसका, तो उनको खाते हैं। फलों का वास्तविक सुगंध स्वाद होना चाहिए, यानी कि ऐसे फल जो उसमें डाले हैं उनकी सुगंध होना चाहिए, उनका स्वाद होना चाहिए, तभी उसको अपन इम्पोर्टेंस दे। हिला कर धीरे धीरे हिलती है, क्विलेरिंग, परंतु तिरछा करने पर बहने लगती है। अगर आप उसको हिलाएंगे तो थोड़ा तिरछा कर जाएगा तो वो गिर जाएगी। इसकी अच्छी जेली के जेली में आपको बता दिया, जेली में पेक्टिन की मात्रा लिखो, जेली में 0.5 से 1% तक पेक्टिन होना आवश्यक है। कितनी? 0.5 से 1%। ये क्वेश्चन अभी पूछ ही लिया, ये अधीन वहाँ पे उदयपुर वाले पेपर में है, कृषि प्रयोगशक सुपरवाइजर का उदयपुर पेपर आया, उसमें अभी आपको स्क्रीनशॉट कर लेके भेजा है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे चलें, ये थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आज मजे आ जाएगा सच में आपको पढ़ने का। जेली के लिए क्या क्या आवश्यक चाहिए, अपने को क्या क्या चाहिए? पेक्टिन कितना? 1% होना चाहिए। चीनी होना चाहिए 60 से 65, अम्ल होना चाहिए, अम्लीय 0.5, ये तो ठीक है। पानी होना चाहिए 33 से 38%। जेली बनाने का इनका छोड़ दो। इसके बाद जेली मीटर का पार्टिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छी जेली के जेली मीटर का 1.25 से मध्यम 1 और निम्न में 0.75 और सबसे 0.5, यानी कि एल्कोहल परीक्षण कर सकते हैं अपन जेली मीटर का, तो ये इतना पॉइंट मात्रा और इतना रस और इतना ही आना चाहिए। चीनी मिलाना मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये मेथोडोलॉजी में नहीं पढ़ाऊँगा, आई बात यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा, जेली का जमाना नहीं पढ़ाऊँगा, चीनी को गोल में पकाना नहीं पढ़ाऊँगा, फलों की सफाई छिलका नहीं पड़ाऊंगा। यहाँ आ जाओ सीधा, पानक स्वेक्ष, इसको पानक हिंदी में स्वेक्ष सबसे अधिक प्रचलित है। स्वेक्ष फल का रस, गूदा, चीनी, खटास को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इसमें क्या क्या है? रस मिलाया जाता है, गूदा मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है और उसका खट्टा यानी कि खटास एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जो पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है इससे? पीने योग्य, जैसे ड्रिंक आप कोई सा भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं,
स्वेक कहा जाता है, स्वेक्स कहा जाता है। स्वेक्स में 25% ये लिख लो, यहाँ से डेटा आएगा पक्का है, अगर ये पूछा तो। स्वेक्स में फलों का रस होता है 25%, 35% चीनी, स्वेक्स में चीनी की मात्रा आता था, 1-2% अम्लता होती है, ये लिख लो। स्वेक्स फलों को रस जैसे आम, अंगूर, संतरा, नींबू, लीची का बनाया जाता है। स्वेक्स किन फलों का बनाया जाता है, पूरा ग्रुप दे देगा, आम, संतरा, नींबू, और यहाँ अमरूद भी लिख देगा। क्या बनाया, बन सकता है? नहीं, तो वो ग्रुप आपको अलग करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चार ऑप्शनों में देंगे, तीन तीन फलों के नाम दे देगा, ये क्या स्वेच्छ बनाने के लिए उपयुक्त है, दूसरा ग्रुप ये उपयुक्त है, तीसरा ग्रुप ये उपयुक्त। तो आपको छटनी आना चाहिए कि आम, अंगूर, संतरा, नींबू, पालसा, इनकी खट्टे फल स्वेच्छ बनाने के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, इसमें मात्रा आपको लिखनी है। स्वेक्स में 25% फलों का रस होता है, 33-55% चीनी होती है, 1-2% अम्लता होती है। और पानक बनाने की विधि मैं नहीं बताऊंगा, संतरा लीटर रस इतना इतना, शक्कर जो माइट इसमें माइट आम कितना डालते हैं, साइट्रिक एम इतना 20% डालते हैं। ठीक है, फल का नाम, रस की मात्रा, चीनी की मात्रा और लीटर, ये एक लीटर बनाते हैं और इसमें इतना साइट्रिक अम्ल डालते हैं। आगे चलते हैं, टमाटर का सॉस तो पढ़ा देता हूँ, बाकी फिर बाद में बात देखेंगे। टमाटर का सॉस हर रेस्टोरेंट के हर टेबल पे मिला हुआ है, ठीक है, देखने को मिलता है। टमाटर का सॉस, केचप, टमाटर के गुदे व शक्कर, नमक, मसाले, सिरके के साथ तेज आंच पर पका कर तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? साओ, जो बेकार टमाटर होते हैं ना मेरे दोस्तों, जो सब्जी मार्केट मंडी में जाने लायक नहीं होते ना, उनसे सॉस बनाया जाता है। लेकिन अच्छी ब्रांडेड कंपनियां अच्छा टमाटर खरीदती है, अच्छा सॉस बनाती है। लेकिन इधर क्या है, कर्नाटका के अंदर है सीड प्रोडक्शन, मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में, ताकि आप स्टोरी टाइप, ताकि भूले नहीं। सॉस किसका बनाया जाएगा? जो टमाटर से बीज निकाल लिया गया, केवल उसका गुदा गुदा और पानी जैसा माल अपने पास बचा हुआ, उसको अपन सॉस के लिए बेच देते हैं कंपनी को, और सीड उससे, बीज उससे निकाल लेते हैं। एक तो वो हो गई, एक एक कैटेगरी है जो जैसे कल ख़राब होने वाला है और आज मार्केट में मंडी बंद है या कोई इमरजेंसी है, अगर अपना टमाटर नहीं बिक रहा, तो उसे सीधे उस कंपनी को सेल कर देंगे जहाँ पर टमाटर से सॉस बनाया रहा। तो वो क्या करते हैं, ऐसे पके हुए लाल सुरक्ष, जिनमें मतलब 2 दिन की भी स्टोरेज क्षमता नहीं है, उन फलों का उपयोग वो क्या करेंगे, सॉस बनाने के लिए उपयोग में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसके साथ में क्या करेंगे, शक्कर, नमक, मसालों की सिरकी के साथ तेज आंच में पका कर तैयार किया जाता है। केचप सॉस में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ध्यान रख लेना, अंडरलाइन कर लेना, केचप और सॉस में कोई अंतर नहीं होता। केचप सॉस की तुलना में, केचप सॉस की तुलना में गाढ़ा होता है। केचप क्या होता है, हार्ड, मतलब ये थोड़ा एक कांच की बोतल में आते हैं, थोड़ा इसे सॉस से टाइट होता है। केचप कुल गुलनशील TTS 25%, इसमें केचप में TTS 25% होता है, जबकि सॉस में TTS 15 से हल्के होते हैं ये, जबकि वो जैम जेली थोड़े अपने हलवे की तरह टोस होते हैं, ये याद रखना है आपको। जिसने देख रखा है उसको तो पूरा पता लग गया होगा, जिसने जैम जेली देखा ही नहीं वो थोड़ा अजीब सोच रहा होगा। तो जैसे अपन सूजी का हलवा पीस में काटते हैं, जैम जेली वैसे होता है, उसमें केवल फल और शक्कर ही होती है, फलों का गुदा, रस और वो उबाल उबाल के बनाए थे। और यहाँ पे अपन सॉस में कितना प्रतिशत ये पूछ लेगा, TTS सॉस का पूछ सकता है, इस बार 100% TTS ही पता रखा है यहाँ पे, TTS पे चली हुई है दुनिया। तो TTS कितना टोटल सोलेबल जो इसका प्रतिशत है, उसमें ठोस पदार्थ उसका कितना प्रतिशत होता है, 15-16%। इसके परिरक्षित करने में सिरका, यानी कि सॉस को किससे परिरक्षित किया जाता है, सिरका, सिरका की मात्रा आपको 2%। सिरके की यह क्षमता एसिटिक एसिड के कारण होती है। सॉस बनाने की विधियाँ नहीं पढ़ाऊंगा, सॉस में कितना केवल 25% होता है TTS। गुदे और रस 1-3 बजे तैयार किया जाता है, इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये रसोडियम बेंजोइट सॉस, ठीक है। इसके बाद में कोई आसान टमाटर रंग खाने वाले रंग भी मिलाया जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर मसाला मिलाना, सॉस की सामग्री, चीनों का ही कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। सोडियम बेंजोइट ये रहा, 0.25 ग्राम प्रति किलो, अगर आप 1 किलो सॉस बना रहे हो तो 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोइट आप सॉस में मिला सकते हैं, ठीक है।
आगे चलें। अचार, अचार तो आप सब जानते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अचार तो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। कितना भाग नष्ट हो जाता है ये शर्करा परिरक्षित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए कम से कम, या तो ये दो राइट, इसी पे है अपना। सब्जी डिब्बा में नमक का 8 से 6, 6 से 8 है कि 3 में वही, एक मिनट राइट। नमक डिब्बा बंदी में 2%, पालक ये कर लेना आराम से, ठोस मात्रा पालक पानक में कितनी होती है देख लेना, 40% होती है। पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर 5 में भी राइट। और टमाटर सॉस में परीक्षण के रूप में सोडियम एजेंट, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आप बनिए रहिए आराम क्लास पर, आप सभी का वेलकम।